आइए, कल की घटना है। कल हम लोगों एक जब आरती बैठ रही थी उस समय हमारे कुछ कर्मचारी थे जो मंदिर में साफ सफाई कर रहे थे, उस समय जो कि ऐसा वीडियो देखने से, ऑनलाइन जो वीडियो चल रहा है उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। हम इसकी जांच करा रहे हैं और ये देखते हैं अगर इस पर कुछ वास्तव में कार्रवाई, अगर कॉलिंग करें तो कार्रवाई कराएंगे। सर, ये कौन है व्यक्ति? ये हमारे मंदिर के कर्मचारी है, एक तो जो साफ़ सफाई कराते हैं वो है, दूसरा OSD है जो इस चीज़ को देख रहे थे पूरा चीज़ों का। और ऐसा मतलब लग रहा था कि उसमें मंदिर देखने से तो स्पष्ट नहीं हो रहा कि कॉलिंग कर रहे हैं या कोई, लेकिन मोबाइल चलाते हुए नज़र आ रहे थे। सर, मंदिर में तो पेन, स्मार्ट वॉच ये सब अलाउ नहीं रहता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल नहीं? इसमें जो मंदिर के खुद कर्मचारी हैं और वो तो संपर्क के लिए और बाकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए तो मंदिर के अंदर जाते ही ले करके, नहीं ले जाएंगे तो फिर हम संपर्क कैसे करें एक दूसरे से। दूसरा, इतना कल का दिन इम्पोर्टेंट था और पूरा भीड़ भाड़ थी, तो उनको व्यवस्थित करना, मैनेज करना, हम लोग अपना कर्मचारियों को तो लेके जाते हैं, फिर भी ये देखते हैं अगर ये इसमें कोई त्रुटि की गई तो उस पर। सर, कल सोमवार था और इतनी भीड़ थी, इतने लोग श्रद्धालु आए थे, तो ये खाली समय कैसे? ये आरती के समय जब आरती होती है तो उससे पहले मंदिर को पूरा परिसर को साफ किया जाता है, तो साफ करने के बाद उसमें पोछा लग के आरती बैठाई जाती है। सुरक्षा को लेकर ये बड़ी छूट बताई जा रही है कि अगर इस तरह से वीडियोज और वीडियो कॉलिंग होते रहेंगे तो फिर? नहीं, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ, वीडियो कॉलिंग हो रही थी, ये इसकी जांच करा रहे हैं। अगर सुरक्षा के लिए, चूँकि हमारे नोटिफाइड कर्मचारी ऐसे नहीं कोई बाहर से है, तो वो हमारे ही मंदिर परिसर के, तो उसको देख रहे हैं, देख करके जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद देखते क्या। एक बात और कही जा रही है कि बर्थडे पार्टी थी वहाँ पर, इसलिए यहाँ से वीडियो कॉलिंग करके भगवान भोलेनाथ के सीधे दर्शन कराए गए। ये तो कैसे, तो अभी तो कोई जब सामने नहीं पा रही, तो ऐसा वीडियो देखने से ऐसा कहीं नहीं लगता कि उसमें बर्थडे पार्टी चल रही थी। लगातार खामियाँ सामने आ रही हैं, एक बार मारपीट की भी वीडियो सामने आ चुकी है गर्भगृह में, तो ये प्रशासन इसको किस तरह से मैनेज करें? जो मारपीट आई थी उसको आपने भी देखा है, उसमें सेवादार कोई पब्लिक मार रही थी, और चूंकि जब भीड़ इस तरह की हो रही तो लगातार मैनेज में करने में लोगों को और करने में कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्थाएं बदलते हैं, लेकिन लगातार हम लोग उसमें सुधार करा रहे हैं, सुधार कराते कराते इस व्यवस्था को और बढ़िया ही करा रहे हैं लगातार। VIP दर्शन को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि ज़्यादा शुल्क उसमें जाना है, इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हम लोगों ने शुल्क बढ़ाई है, जो परंपरागत चीज़ें चल रही हैं उसको लगातार हम बढ़ा रहे हैं, इसको उसी तरह से आगे, इसके अलावा कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।